नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों, मैं आज बात करूंगा बॉटनी में जीन की बात करूंगा। तो चलते हैं, देखते हैं हम जीन क्या है। जीन क्या है, देखिए, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इज एनकोडेड नोन एज जीन। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इज एनकोडेड नोन एज जीन। दूसरी बात यहां देखिए क्या आती है, द टर्म जीन कॉइंड बाई जोहेंसन इन 1909। तो जीन क्या है, देखे, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विच जेनेटिक कोड इज एनकोडेड नोन एज जीन। द टर्म जीन क्वाइंड बाई जॉनसन, पढ़ते हैं जॉनसन, लिखते हैं जोहेंसन इन 1909। अब देखिए, पहले ये माना जाता था कि जीन सबसे छोटी यूनिट होती, इकाई होती है, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजर, उन्होंने कहा नहीं, जीन के भी पार्ट होते हैं। तो आगे देखिए, इस जीन के पार्ट क्या होते हैं मैं बात कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू बेंजर जीन के तीन पार्ट होते हैं रेकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बेंजर। अब देखिए, इसमें रेकॉन क्या होता है, वो होता है यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। और देखिए, दूसरी जो चीज है म्यूटॉन, ये होता है यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और तीसरा होता है यूनिट ऑफ फंक्शन। मैं आपको बता दूं, यूनिट ऑफ फंक्शन बार बार पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ फंक्शन को क्या कहते हैं, तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें इसमें इन साइज हम बात करें तो सबसे बड़ा सिस्ट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन के बाद देखिए होता है क्या, रेकॉन, और सबसे छोटा होता है म्यूटॉन। तो ये हमने बातें कर ली किसकी, ये हमने बातें कर ली जीन की, कि जीन क्या है, जीन के टर्म को किसने दिया, क्या जीन सबसे छोटा पार्ट है, नहीं, बेंजर ने उसका खंडन किया, बेंजर ने कहा नहीं, इसके तीन पार्ट होते हैं, रेकॉन, म्यूटॉन और सिस्ट्रॉन, तीनों को हमने बताया तीनों का काम क्या है। अब फिर साइज के आधार पर सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो जीन के बारे में इतनी जानकारी थी। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।